गुना जिले में नारायणपुर स्थित शक्कर कारखाना पुनः शुरू करने की मांग को लेकर किसानों ने शक्कर कारखाना चालू करो संघर्ष समिति की तत्वावधान में आरोन से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। दरअसल कई गांव के किसान लंबे समय से नारायणपुरा शक्कर कारखाना फिर से शुरू करने की मांग कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर मंगलवार जन सुनवाई में किसानों ने संयुक्त रूप से ज्ञापन सौंपा। इसी दौरान ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन जिला सचिव ने बताया कि राघुगढ़ तहसील में नारायणपुरा शक्कर कारखाना पिछले सालों से बंद पड़ा हुआ है। शक्कर कारखाना बंद होने से इससे जुड़े किसानों व कर्मचारियों की आय से साधन बंद हो गए हैं। फिर से कारखाने को चालू किया जाए जिससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। जानकारी के मुताबिक किसान मजदूर कारखाना चालू कराने के लिए पिछले कई सालों से शासन प्रशासन से गुहार लगाता आ रहा है और जन आंदोलन कर रहा है। गुना से प्रताप सिंह प्रभाकर की रिपोर्ट। लोग खेत किसान मजदूर संगठन EIKKMS के द्वारा आज गुना जिले में जन सुनवाई में अभी जो बृष्टि लगातार हो रही है, गांव की कई फसलें सोयाबीन और मक्का की फसलें कई गांव में गल गई हैं, जैसे अमोदा, पिपरौदा, बारौद। और दूसरा, हम अभी लागत को देखते हुए पूरे किसान पूरे जिले के पूरे प्रदेश के मांग कर रहे हैं कि सोयाबीन का भाव 6000 रुपये और मक्का का 2500 रुपये क्विंटल होना चाहिए। इस मांग को लेकर आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। दूसरा, खेत किसान मजदूर मांग करता है कि गुना जिले में जो नारायणपुरा शक्कर कारखाना है जो बंद पड़ा है उसको खोला जाए, इस मांग को लेकर भी हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है। जिससे वो खुल जाएगा तो बहुत सारे नौजवान युवाओं को रोजगार मिलेगा और किसानों को एक नगद फसल के रूप में उनको एक आय होगी। इस मांग को लेकर हमने एक ज्ञापन दिया है महोदय को आज। और यहाँ पर खेत किसान मजदूर संगठन लगातार किसानों की समस्या को लेकर, नौजवानों की समस्या को लेकर लगातार आंदोलन करते हैं। आपका सुन लो। मेरा नाम महेंद्र कुमार नायक है, EIKKMS का जिला सचिव।